चंद्र ग्रहण खत्म हो गया है, अब होगी घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग। थोड़ी बहुत की आज सुबह कुछ किया नहीं गया था, केवल झाड़ू ही लगाई गई थी। अब लगाऊंगी पूरे घर का साफ सफाई करूंगी, झाड़ू पोछा पूरा करूंगी, दरवाजे पे भी पूरा धुलूंगी कि ग्रहण के बाद की शुद्धता जरूरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं घर की सारी साफ सफाई। बच्चों की भी मदद लूंगी क्योंकि वो भी पूरे टाइम ग्रहण के समय पे मेरे साथ ही बैठ के भगवान का भजन कर रहे थे। और अब दोनों को नहलाऊं धुलाऊंगी भी, तो थोड़े उनसे काम तो लेना ही पड़ेगा। भैया से जब भी किसी काम के लिए कहती हूँ कि तुम मेरी मदद करा दो, तो ये ना ऐसे नौटंकी करेगा, परेशान कर देता है बिल्कुल, कहीं इधर निकल के जाएगा कहीं उधर, ताकि मैं हार के कह दूँ कि बस अब तुम कुछ मत करो, जाओ चुपचाप बैठ जाओ जाके। ये ऐसे शैतानी करते रहते हैं पूरे टाइम, ताकि मम्मी इनसे कोई काम ना करवाएं और ये आराम से बैठे रहें। वैसे भी हमारी बहुत सीधी है, वो बेचारी अपना कहीं ना कहीं ऊपर हो सकता है, ऊपर बाथरूम में नहाने गई हो, और ये नौटंकी करते रहते हैं। ग्रहण की वजह से सुबह से कुछ बना नहीं, बच्चों ने कुछ खाया पिया भी नहीं, तो जल्दी जल्दी दाल चावल रोटी ही बनी, क्योंकि दाल चावल रोटी बहुत जल्दी बन जाती है। ठाकुर जी भी मेरे सुबह से भूखे हैं, वो भी बेचारे ऐसे टुक टुक देख रहे हैं कि नहला धुला के तो खा बैठा दिया, अभी खाने का दूर दूर तक दर्शन नहीं है। तो अभी तो मैंने उनको पेड़े का भोग लगा दिया, अभी दूध और पेड़ा खा रहे होंगे वो, जब तक दाल रोटी बन के तैयार हो जाती है।
बच्चों को बुलाऊंगी, फिर सब बैठ के खाना खाएंगे एक साथ। खाना मेरा बनके तैयार हो गया। मुझे लगता है भैया मेरा शायद आज क्रिकेट खेलने लग गया। देखिए भी कहाँ है। प्रकाश कहाँ से पाए भाई? घर से पा लिया, एक बल्ब खराब निकल गया। हमारे घर से प्रकाश पाए हो? अच्छा चलो कोई बात नहीं। भोलू भी खेल रहा है क्या? भैया अंधेले में हमारे लड़के को मत भेजना, तुम जाना है? हमारा लड़का स्पेशल है। चलो जब तक भैया खेल के आएगा तब तक मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ। वैसे भी कुछ कर रही होंगी, मैं भी अपना थोड़ा सा निपटा लेती हूँ, उसके बाद सब साथ में बैठ के भोजन करेंगे। तो गाइज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।